कुछ लोग कि जी बस रिटायर होने के बाद मैं काम शुरू कर दूंगा, मैं क्या काम शुरू कर, अब ध्यान लगाने लगूंगा। मैंने कहा अब क्यों नहीं लगा रहे, बस थोड़ा सब बच्चे थोड़ा और ऊपर हो जाए, बस दया रखना काम अच्छा चल रहा है। मैंने कहा भाई काम ठीक है अच्छा चल रहा है तो उसकी थोड़ी सी बदली इधर उधर हो जाए और वो रिश्वत थोड़ी कम हो जाए बंद हो जाए। भागा भागा आते हैं मेरे पास। मैंने कहा अरे इतने दिनों बाद, दो साल बाद कैसे आना हुआ जी, आप जानते हो अब तक क्यों नहीं है, आपने बुलाया ही नहीं। मैंने कहा मैंने आज कैसे बुलाया जी, मेरी ड्यूटी बदली हो गई, आप वहीं करवा दीजिए। मुझे तब समझ में आती है ये लोग ऐसे आते हैं कि भाई ये ऐसे बुलाया जाता है लोगों को और वो ये सोचते हैं हमारे बारे में। ऐसे लोग कैसे वहां तक पहुंचेंगे, कैसे सच्चे बादशाह तक पहुंच सकते हैं, कैसे दरबार में हाजिरी लगाएंगे, कैसे रूप का ध्यान होगा, कैसे ध्यान टिकेगा, कैसे मन लगेगा। और कृपा तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। मैं बोलता हूँ अरे ये संत महात्मा इनको बांट दो कुछ खाने पीने की चीजें, मेरी तरफ ऐसे देखते हैं अरे मेरे पैसे ने लगवा दिए। मैं बोलता हूँ अरे तेरे को नहीं बोल रहा मैं, वो बैग में पड़े हैं पैसे उठा करके बांट दो। फिर उनमें भी डर लगता है, सोचता हूँ अरे बांट दो तेरा क्या लग रहा, कि ना जी ज़्यादा लग जाएंगे, अरे लेके जाएगा क्या इनको साथ में, जहाँ से आए और आ जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग कितना भी कोशिश करे, मैं बहुत देखता रहता हूँ बहुत एक नज़र के साथ कि क्या एक्टिविटी चल रही है, क्या प्रभाव चल रहा है, क्या सोच रहा है, क्योंकि उन्हीं लोगों से तो मुझे सीखना पड़ता है ना संसार में क्या चल रहा है, कैसे सोचते हैं, कैसे कल्याण होगा, कैसे रास्ता निकलेगा, कैसे वहां तक पहुंचा जा सकता है। बहुत मुश्किल है संसार में, बहुत मुश्किल है, और ऐसे तो मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाता है, असंभव हो जाता है। क्योंकि जब तक अन्न की पवित्रता नहीं होगी, मन की पवित्रता नहीं होगी, अन्न का बांधा हुआ मन होता है, और मन जब तक पवित्र नहीं होगा, मन जब तक साधा नहीं जाएगा, मन जब तक योग के द्वारा नहीं साधोगे, मन जब तक भजन के द्वारा नहीं साधोगे, मन जब तक नाम के द्वारा नहीं साधोगे, मन जब तक जप के द्वारा नहीं साधोगे, मन जब तक उसके रूप के बिना नहीं साधोगे, मन जब तक एकाग्र नहीं होगा, उसकी कृपा नजदीक आसपास भी नहीं है, कैसे आप पात्र बनोगे, कैसे उस सच्चे बादशाह तक पहुंचोगे। जब तक एक एक कमियां चुन चुन करके नहीं निकालेंगे, कैसे वहां तक पहुंचोगे। जब तक मजबूत भाव नहीं होगा, कुछ लोग बोलते हैं हम तो बस आ गए अब नहीं जाएंगे। मैं एक बार साथ लेके चला गया कि नहीं जाओगे कि नहीं, चलो मेरे साथ चलो। इकट्ठे हो गए होंगे करीब 35-40 आदमी तो गए होंगे मेरे साथ। एक दिन लग गया, सब ठीक ठाक। कब कहाँ चलना है, मैं कहा चलते रहो, गाड़ियों में जो तेल है वो डला हुआ है ख़त्म हो जाए तब बता देना, फिर डलवा देंगे, रोकनी नहीं कोई भी गाड़ी। दूसरा दिन शुरू हुआ, सारे मेरे तरफ इस तरह से लगा रहे कि अब क्या होगा, जाएं ना जाएं, आगे जाएंगे और दूर जा रहे हैं। कुछ लोग एक गाड़ी की बस सी उतर गए, फिर थोड़ा सा दूर चले, एक दिन और लगा, एक गाड़ी और छूट गई, फिर थोड़ा सा और आगे गए तो गाड़ी एक ही रह गई हमारे वाली, फिर थोड़ा सा और गए, गाड़ी वाले भी पीछे बैठे बैठे बोल रहे हैं जी कितने दिन की छुट्टी और लेनी है ये भी हमें बता दो। मैंने कहा अगर आपको संभव करना उतर जाइए, मैं तो बिना ड्यूटी का आदमी हूँ, बिना छुट्टी का आदमी हूँ। तो वो लोग परमात्मा कि बस अब तो मुझे दे ही दो, इतना सस्ता। मैं बोलता हूँ और सब कुछ उठा ले जाओ जो चाहिए,
गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, ये चाहिए, ये आश्रम में छोड़ के और कहीं चला जाऊंगा, ये भी ले लो, वस्त्र चाहिए वो भी ले लो, लेकिन परमात्मा नहीं देंगे। वो इतना सस्ता नहीं है कि उठाएंगे दे देंगे। सहन शक्ति बहुत कम, सहन शक्ति है बहुत कम, सोच नहीं सकते इतनी, इतना भी इंतजार नहीं करते। क्या पता आज निकल ले, रुक जाइए थोड़ी सी देर, फड़फड़ाने लगते हैं। कई बार तो मैं बोल देता हूँ, अरे कहाँ, कि मैं तेरे अफसर को बोल देता हूँ ना जी, मैं तो चला ही जाता हूँ। इतना घबराते हैं कि मैं बोल देता हूँ तो तुम्हारा अफसर है उसको, वो परेशान नहीं करेगा, फिर भी घबराते रहते हैं। अरे नहीं अभी जाना है मुझे तो, कितनी छटपटाहट होगी मन में, क्योंकि अफसर को बोल दिया तो फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, है तो मेरे साथ भी हिस्सा तो नहीं बट पाएगा ना, तो बहुत खतरनाक काम होता है ये। ये अंदर की जो चीजें होती हैं, ये केवल एक आदमी का नहीं बोल रहा मैं, जो सब कुछ चल रहा आपके अंदर में, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं अनुभव इकट्ठा करता हूँ, पूरे महीने जो मैंने इकट्ठा करता हूँ वही बांट देता हूँ। इन इन चीज़ों में बदलाव की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है। पिछली बार तो कुछ लोग अब की बार नहीं आए, वो कि अरे इतना लंबा, एक घंटा हो गया, सवा हो गया, डेढ़ हो गया, दो हो गए, कि आज नहीं रुकेंगे, आज तो मेरी रेल भी निकाल दी, आज तो खाना खाऊंगा तो और लेट हो जाऊंगा, भी निकल लेता हूँ बाहर की बाहर। कुछ लोगों ने बोला अरे चल रहे हो आप, अरे भैया पिछली बार तो लेट होगा बड़ी मुश्किल से, अब की बार नहीं, अगली बार देखता हूँ। मैं देखता हूँ अंदर में इनके क्या चल रहा है, भाव कितना मजबूत है, जो परमात्मा मेरे से मांग रहे हैं, जो उस अनंत को मांगने के लिए आए हैं, क्या वो पात्र बन गए हैं, क्या वो कुछ पल के लिए भी उसकी महिमा का गुणगान नहीं सुन सकते, उसकी महिमा का बखान नहीं सुन सकते, उसके नाम का जो रस है उसको नहीं झेल सकते, उसकी कृपा को नहीं झेल सकते, उसके लिए दो घंटे का समय नहीं निकाल सकते, उसके नाम के ऊपर नहीं बैठ सकते। मैं बोलता हूँ यहाँ मत आओ, आप घर पर भजन कर लेना, कि नहीं जी वहाँ नहीं होता। मैं कहता हूँ यहाँ कर लो, कि जी यहाँ आया नहीं जाता, बड़ा मुश्किल खेल है, कि जी मुझे आसपास बुला लो बिल्कुल नज़दीक। मैं बोला कि मैं बुला तो लूँगा, लेकिन आप मेरे से और दूर हो जाओगे, अब दूर से तो कभी कभी आ जाते हो, पास से तो बिल्कुल नहीं आओगे। कि नहीं जी हम तो आपकी कृपा के इंतज़ार में हैं, नंगे पैरों आएंगे, घर से नंगे पैरों आएंगे। मैं देखता हूँ वो लोग वर्षों हो जाते हैं आए हुए, फिर कहीं फंसते हैं, कोई काम ऐसा आन पड़ता है कि किसी से भी ना हो। मेरे पास तभी आते हैं जब सिफारिश से भी ना हो, घर वालों से भी ना हो, सरकार से भी ना हो, अफसर से भी ना हो, कि अब नहीं, बस अब तो आंखें बंद करो, चलो वहाँ सुननी ही पड़ेगी अब तो उनकी, और दो चार कह लेंगे और क्या है, काम तो कर ही देंगे। ऐसे विचार आपके अंदर भरे रहते हैं और ये विचार जब तक समाप्त नहीं होंगे भाव मजबूत नहीं होगा, और जब भाव मजबूत नहीं होगा तो जो वो सच्चा बादशाह है उनकी कृपा आपके हृदय में नहीं आएगी। आप भाव के साथ जब तक उसको नहीं रटेंगे, जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, मन के अंदर ये विचार फैले रहेंगे, न आप ऊपर बढ़ सकते, न आप ध्यान कर सकते, न सुमरण कर सकते, न कुछ और कर पाएंगे। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, आप कोई न कोई संकल्प जरूर ले करके जाएं कि मुझे इतना समय परमात्मा के ऊपर लगाना है, इतना समय उस हरि के ऊपर लगाना है, इतनी कृपा वो करेगा, इतना टाइम मुझे देना है, 24 घंटे में से 2 घंटे निकालने हैं, 4 घंटे निकालने हैं, 2 घड़ी निकालनी है, सुबह बैठेंगे, शाम को बैठेंगे, इतनी बार हम सुमरण करेंगे, इतना ध्यान लगाएंगे, कोई न कोई इस प्रकार का संकल्प जरूर ले करके जाएं, जिससे एक नई शुरुआत हो सके।
कि कम से कम बीज डाला तो जाए, शुरू तो हो वो नाम, कृपा आनी उसकी, दया आनी, मेर बरसनी, शुरू तो हो। आपने कम से कम कोशिश तो करनी स्टार्ट कीजिए। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे उसकी कृपा नहीं बरसेगी, और जब तक वो आपके ऊपर सीधी दृष्टि नहीं करेगा आप ऊपर नहीं उठ सकते, और जब उसकी नज़र सीधी हो जाएगी आपको कोई रोक नहीं सकता। तो किसी भी कितना भी, चाहे 10 मिनट के लिए कि मैं 10 मिनट रोज़ लगाऊंगा कि आज मैं ये बुराई छोड़ करके जाऊंगा, ये अच्छाई ले करके जाऊंगा, इसका आपके जीवन में परिवर्तन होगा, घर में भी परिवर्तन होगा, हर जगह आपको परिवर्तन नज़र आएगा, साक्षात दिखाई देगा। तो आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, अपना जो अगला सत्संग का कार्यक्रम है वो शिवरात्रि को, महाशिवरात्रि को नहीं होगा, वो 11 तारीख को होगा, जो अगले महीने की पूर्णिमा होगी। तो ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, और परमात्मा के नाम के ऊपर आप समय लगाइए। मैं इतना ही कहूँगा,